ट्वेल्थ के बाद टीचर कैसे बने। आज बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती हैं कि सर मैंने ट्वेल्थ कर लिया है, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं भी ट्वेल्थ करने वाला हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, मैं टीचर कैसे बन सकता हूँ, एक सही तरीका क्या है टीचर बनने का, कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए, किस तरह की गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहिए। और देखो, टीचर बनने के लिए एक टीचर ही सलाह दे सकता है। मैं पिछले 12 साल से टीचिंग कर रहा हूँ एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। मैंने किया हुआ है बीकॉम, एमकॉम, एमए इकोनॉमिक्स, बीएड। इसके अलावा जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी के टेस्ट होते हैं, चाहे सीटेट हो, चाहे आपका, मैंने वीडियो भी बना रखी है इसके ऊपर, चाहे आपका यूपी टेट हो, प्राइमरी का और जूनियर का, सब मैंने क्लियर कर रखे हैं। यहाँ तक कि मैंने हिमाचल का पीजीटी एग्ज़ाम भी क्लियर किया हुआ है और यूपी के भी कई एग्ज़ाम्स मैंने दे रखे हैं, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। गाइस, अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ आपको कि टीचर बनने के लिए जो जेन्युइन तरीका है, टीचर तीन तरह के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी टीचर, जो जूनियर टीचर होता है। दूसरा होता है टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तीसरा होता है पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, सबसे पहले जो चीज़ है टीचर बनने के लिए, वो है आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट। आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, सबसे पहले ये देखो। आप आर्ट में अच्छे हो, आप साइंस में अच्छे हो, आप कॉमर्स में अच्छे हो, आप मैथ में अच्छे हो, आप लैंग्वेज सब्जेक्ट में अच्छे हो, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी में अच्छे हो, आप जिस भी सब्जेक्ट में अच्छे हो, उस सब्जेक्ट से आपको मिनिमम ग्रेजुएशन और बीएड ज़रूर से कर लेना है। बीएड के साथ एक और कोर्स आता है जिसे हम कहते हैं डीएलएड या बीटीसी या डाइट या जेबीटी, हरियाणा में जेबीटी भी कहते हैं, सो जेबीटी। ये कोर्सेज होते हैं प्राइमरी के लिए। अगर आप प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हो तो आप बीएड ना करके डीएलएड वगैरह करो, आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसका नुकसान एक और है, आप केवल प्राइमरी के लिए बन पाएंगे। लेकिन अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप कुछ जगह पर, जैसे यूपी है, आप प्राइमरी में भी अप्लाई कर सकते हो, आप टीजीटी पीजीटी में भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपका सब्जेक्ट्स में पकड़ है तो आप बीएड करो, अगर आपके सब्जेक्ट में पकड़ नहीं है, आपको वैसे ही टीचर बनना है, तो आप डीएलएड करो। जैसे ही आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एग्ज़ाम्स होते हैं टीजीटी का, टीजीटी का तो होता ही है, टेट का, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये होता है एग्ज़ाम्स 8th क्लास तक पढ़ाने के लिए, प्राइमरी से लेकर 8th क्लास तक पढ़ाने के लिए दो टेस्ट होते हैं, अपने हर स्टेट में होते हैं, आप वो ज़रूर दे लें। उसमें आपका मेन सब्जेक्ट आता है, जीके आती है, पेडागोजी आती है, सब आता है, जो आप बीएड में पढ़ोगे वही आता है। उसके एग्ज़ाम्स को देने के बाद आप जब पास कर लोगे, तो जब भी आपके स्टेट में वैकेंसी निकलेगी, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ये तो है प्राइमरी में। अगर आप सेकंड वैकेंसी 9th-10th को पढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए होता है टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिसकी वैकेंसीज निकलती है, अभी यूपी में निकली हुई है, एग्ज़ाम चल रहे हैं आजकल में। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर 9th और 10th पढ़ाने के लिए होते हैं, इनकी सैलरी होती है 50 से 55 हज़ार रुपये। इनकी वैकेंसी हर स्टेट में निकलती है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन प्लस बीएड। अगर आपने किया कर टीजीटी की जरूरत और टेट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, बीएड कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ही एग्ज़ाम होगा रिटर्न, अगर आप उसमें पास हो गए तो आपका इंटरव्यू होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पीजीटी में कुछ जगह पर इंटरव्यू ख़त्म हो चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन लेवल का डाटा ज़्यादा आता है, इसलिए बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसके बाद आता है पीजीटी, जो 11th-12th में पढ़ाने के लिए होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जैसे कि मैं हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 12th और ग्रेजुएशन का सिलेबस ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में। इसका भी एग्ज़ाम होता है जिसमें 80% या 100% आपका ही सब्जेक्ट आता है, उसमें डीप, बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती है। उसके बाद इंटरव्यू कुछ जगह पर ख़त्म है, कुछ जगह पर इंटरव्यू भी होते हैं, उसके बाद आपकी पोस्ट लग जाएगी। यहाँ पर सैलरी होती है 65 से 70 हज़ार रुपये, 65 हज़ार से 70 हज़ार रुपये फीस होती, सैलरी होती है यहाँ पर आपके लिए। ये सभी वैकेंसीज़ में से आपको कौन सी वैकेंसी अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। लेकिन अगर आपको टीचर बनना है तो पहले आप बीएड करो। बीएड जो कोर्स है वो फ़िलहाल 2 साल का कोर्स है, जो आप कहीं से भी कर सकते हो। मिनिमम बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए कम से कम। आप बीएड अगर आप 12th में हैं तो इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हो, ठीक है, 5 साल का होता है, उसमें ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, डीएड भी हो जाएगा, डीएलएड भी हो जाएगा। बीएड के लिए पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट्स में मास्टर्स होनी ज़रूरी है, उस सब्जेक्ट से ही आप बीएड कर सकते हो। एक सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे जो आपकी ग्रेजुएशन में होगा, जो ग्रेजुएशन से बाहर का सब्जेक्ट आप मेन सब्जेक्ट नहीं ले सकते। बीएड में 2 साल आप पढ़ेंगे, लगभग खर्चा 1 लाख रुपये आता है, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई बात रह गई हो, कोई जानकारी आपको चाहिए, कोई बात पूछनी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।